हाँ जी, तो भाई इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही मैं जितने भी YouTube के क्रिएटर्स हैं जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं और जितने भी ऑडियंस हैं जो व्यूअर्स हैं, मैं उनको चैलेंज देता हूँ भाई कि जो भी इस वीडियो को किसी भी पॉइंट से गलत प्रूव कर दे, विद फैक्ट्स एंड विद प्रूफ्स गलत प्रूव कर दे, तो वीडियो में उसी टाइम यूट्यूब से हटाओ। दूसरी चीज क्लियर करता चलूं कि जो भी बिलो 15 एज वाले हैं वो इस वीडियो को ना देखें। अगर हाँ किसी को लगता है कि वो माइंड से मैच्योर हैं तो वो इस वीडियो को देखें, अदरवाइज उनके समझ में ये चीजें नहीं आने वाली। तो वीडियो को पॉइंट टू पॉइंट देखना भाई, जरा सा भी स्किप किया या जरा सा भी वीडियो को आगे किया तो आपको समझ नहीं आनी है। वीडियो को शुरू करते हैं भाई। तो भाई टाइटल से तो आप सबको पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो किस पे होने वाली है। तो भाई बात करते हैं कि 20 अगस्त को अमीर माजिद का चैनल होता है भाई डिलीट। वहां से अमीर माजिद की तरफ से एक स्टोरी इंस्टाग्राम पे आउट होती है जिसके साथ ये स्क्रीनशॉट ऐड हुआ होता है कि मेरा चैनल डिलीट हो गया है। 21 अगस्त को अमीर माजिद के इंस्टाग्राम हैंडल पे एक पोस्ट होती है जिसमें वो एक्सप्लेन करते हैं कि मेरा चैनल डिलीट हो गया, कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं थी। वीडियो देखें भाई। अभी तक मैंने 800 वीडियोस जो थे वो अपलोड किए थे। मेरी पूरी जर्नी में एक भी स्ट्राइक जो है वो मेरे चैनल पे नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। अचानक से मेरा चैनल जो था गाइस वो टर्मिनेट हो गया। अब उसी वीडियो में अमीर माजिद ये कहता है कि 2.7 मिलियन सब्सक्राइबर वाला जो चैनल था उस बंदे का चैनल डिलीट हुआ, उसकी ये हालत हो गई, और जिनके अभी 1 के 2 के हैं उनका क्या होगा। सोचो कि 2.7 मिलियन वाला चैनल जो है अगर उस बंदे की ऐसी हालत है तो भाई जिन्होंने स्टार्ट किया, जिनके 1 के हैं या 10 के हैं भाई, उनके उनपे उनके साथ क्या होगा। तो देखो भाई ये कहना ये चाहता है यहाँ पे अमीर माजिद कि अगर 2.7 मिलियन वाला चैनल डिलीट हो सकता है तो इन फ्यूचर अगर जो आप मेहनत कर रहे हो वो भी आपकी राय बन जा सकती है जब आपका चैनल भी ग्रो हो जाएगा। देखो भाई ऐसे चुतियों देखो भाई आपको बहुत सारी चुनौतियों से गुजरना पड़ेगा, लेकिन ये जो कह रहा है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, आप मेहनत करते जाओ सक्सेस मिलेगी भाई। चलते हैं पॉइंट नंबर 3 चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। देखें भाई एक तरफ अमीर माजिद की बातें सोचें और दूसरी तरफ इस स्क्रीनशॉट की तरफ देखें जिसमें ये लिखा गया है यू डोंट हैव एक्सेस टू दिस चैनल। और ये चीज देखें कि तीन लाइन में जाके भाई गूगल ने अगर मुझे बताओ कोई एरर शो करता है कि उसके पास स्पेस नहीं थी क्या कि उसने ये छोटा सा सेंटेंस कंप्लीट करने में तीन लाइंस कवर की भाई। यू डोंट हैव एक में, एक्सेस टू दिस एक में, और चैनल थर्ड लाइन में जाके कंप्लीट किया। समझने वाला बंदा तो यही से समझ जाता है भाई कि ये स्क्रीनशॉट एडिट हुआ है। बाकी ऐसे ही कुछ जो एरर बाकी अदर यूट्यूबर्स को आते हैं आप इमेज सर्च भाई आप सबको पता है इमेज सर्च गूगल पे करोगे अमीर माजिद का वो स्क्रीनशॉट उठा के तो वैसा सेम लिखा हुआ किसी को आज दिन तक नहीं आया। बट अदर वैसे ही एरर जो आते हैं वन लाइन में गूगल वो चीज सेंटेंस कंप्लीट करती है चाहे कितना भी बड़ा हो। भाई एग्जांपल लें कि इतू सा एक बिल्कुल स्मॉल साइज का एक फोन है, वहां पे अगर आपको कोई ऐसा एरर शो होता है तो वहां पे भी आपको जूम करके उसे पढ़ना पड़ेगा, ना कि आपको क्या करेगा गूगल वो एरर तीन लाइन में कंप्लीट करके दिखाएगा। समझने वाला यहीं से समझ जाते हैं। बट अमीर माजिद के फैंस के लिए ये मैं अभी और एक्सप्लेन करना चाहता हूं विद प्रूफ बाई प्रूफ के साथ ऐसा सब हुआ क्यों। चले भाई आगे चले वीडियो। देखो भाई मान लेते हैं कि ये जो आपके सामने स्क्रीनशॉट रखा गया ये एडिट नहीं हुआ है, अमीर माजिद को ये लिखा हुआ आता है कि यू डोंट हैव एक्सेस टू दिस चैनल, ये लिखा हुआ आता है, चैनल को भाई बंदा एक्सेस नहीं कर पा रहा। लेकिन अमीर भाई मुझे एक चीज बताओ कि जो आपकी मेल आईडी है, जो आपकी जीमेल का अकाउंट है, जो मेल आईडी आप उसे तो एक्सेस कर पा रहे थे ना, तब आपने कहीं पे ये नहीं बताया कि इनकरेक्ट पासवर्ड आ रहा है ऐसा कुछ, आप अपने चैनल को एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। और जो यूट्यूब के क्रिएटर्स हैं भाई बाकी आम ऑडियंस में से भी किसी को पता होगा, उन्हें पता होगा कि एक आईडी से दूसरी आईडी पे अकाउंट ट्रांसफर होने में 14 डेज का टाइम होता है, देन आप क्या कर सकते हो कि पुरानी वाली ईमेल रिमूव कर सकते हो। ठीक है, अगर किसी को भी डाउट है भाई तो वो जाके यूट्यूब पे सर्च कर सकता है, गूगल पे ये चीज कंफर्म कर सकता है, एक आईडी से दूसरी आईडी पे अकाउंट ट्रांसफर करने में भाई 14 डेज का टाइम होता है। लेकिन अमीर भाई आपके पास आपकी जीमेल होते हुए भी आप अपने अकाउंट को एक्सेस क्यों नहीं कर पा रहे थे, पहली चीज भाई। दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं यार। भाई ये स्क्रीनशॉट देखें, अमीर माजिद की एक वीडियो का स्क्रीनशॉट है जो 29 अगस्त को अमीर अपलोड करता है यूट्यूब पे, जिसमें अमीर ये कहता है 8 मिनट और 10 सेकंड से वो वीडियो आप देख सकते हैं, जिसमें अमीर ये कहता है कि साइबर सेल में उसके नॉन के एक भैया थे जिन्होंने ये बताया कि तेरी पहले मेल है कोई, देन चैनल तेरा चैनल डिलीट हुआ, टर्मिनेट हो गया। असल में चैनल जो था गाइस, मेरा जो फोन था, मेल जो था वो किसी ने हैक किया, एंड देन उसके बाद मेरा जो YouTube चैनल था वो किसी ने परमानेंटली डिलीट कर दिया। फिर भाई अगर मेल है कोई थी तो आपका तो मेल का आपको पासवर्ड इनकरेक्ट आना चाहिए था, आप तो अपने चैनल का एक्सेस नहीं, तब आपको बोलते कि मुझे अपनी मेल को एक्सेस नहीं कर पा रहा। पहला भाई झूठ यहां से पकड़ा गया और मेरा डाउट भाई बढ़ गया इस चीज पे। भाई व्लॉग्स खबरी की तरफ से जब ये वीडियो आती है, स्क्रीनशॉट आप देखें, ये वीडियो है भाई 22 अगस्त की है भाई, और अमीर वही चीज सेम चीज जो व्लॉग्स खबरी ने अपनी वीडियो में बोला, वीडियो देखें एक बार आप। गाइस मेरे हिसाब से हुआ कुछ ऐसा है, सबसे पहले किसी ने उनका चैनल हैक किया होगा एंड देन नंबर वगैरह चेंज करके डिलीट कर दिया होगा। व्लॉग्स खबरी ने अपनी वीडियो में ये कहा कि पहले अमीर की मेल हैक हुई होगी फिर चैनल डिलीट हुआ होगा, लेकिन अमीर माजिद भूल चुका था कि वो गलती पहले से कर चुका है एक स्क्रीनशॉट ये वाला अपनी ऑडियंस के सामने शेयर करके, वहीं से उसने मेन गलती कर दी। बाद में भाई वो अपनी मेल का हैक होने का लोगों को बोले या जो भी बोले, जो बंदा यूट्यूब पे क्रिएटर है भाई वो इस चीज को मेरी इस बात को अच्छे से अभी समझ रहा होगा, लेकिन अमीर जैसा दल्ला ये चीज कभी नहीं समझ सकता कि गलती तो उसने पहले से ही कर दी थी, बाद में मेल हैक का ये सब ड्रामा करने की भाई जरूरत तो थी नहीं। अब मैं आपको मेन रीजन बताता हूं कि इतना सारा भाई इतनी बड़ी गेम करने की जरूरत क्या पड़ गई थी अमीर को कि अपना 2.7 मिलियन वाला चैनल वो डिलीट करेगा। आप सारे लोग इसी चीज का वेट कर रहे थे,
चलें भाई, अब मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन करके बताता हूँ। देखो भाई, गूगल की तरफ से एक मेल आती है भाई, आप सबको भी रिसीव हुई होगी, कुछ को पहले कुछ को लेट, कुछ को अभी आ रही होगी, अपडेटिंग अवर गूगल अकाउंट इनएक्टिविटी पॉलिसी। अब इसमें क्या था भाई कि जिन लोगों ने अपने लास्ट 2 ईयर से 24 मंथ से भाई अपने अकाउंट को लॉग इन नहीं किया हुआ, जितनी भी वो मेल आई डी है वो डिलीट हो जाएंगी। ठीक है, देखे भाई, न्यूज तो ये कुछ वीक्स उससे पहले थी, लेकिन द टाइम्स ऑफ इंडिया और अदर न्यूज वालों की तरफ से 20 जुलाई 2023 को ये न्यूज वायरल होती है कि जो भाई लास्ट 24 मंथ से जो अकाउंट लॉग इन नहीं हुए हैं वो अकाउंट डिलीट होंगे। ऐसे पे तो भाई बहुत सारे क्रिएटर्स का नुकसान होगा। अगर मेल आईडियां डिलीट होंगी तो जो नंबर ऑफ अकाउंट्स का सब्सक्राइबर है वो भाई बड़ी जल्दी से भाई डाउन की तरफ आएगा, डिक्रीज होते हुए दिखाई देगा। आगे चले भाई, 20 जुलाई 2023 को द टाइम्स ऑफ इंडिया और अदर न्यूज चैनल से ये न्यूज वायरल होती है। भाई एक बार दोबारा सुन लेना, बाद में समझ नहीं आएगा आगे। ठीक है, चले आगे। देखें भाई, यासर चौधरी ने भी ये चीज भाई क्या की कि एक्सप्लेन की कि अमीर माजिद ने अपने सारे दोस्तों को कॉल करके कोलैब के लिए कहा। सुने, बड़ी दूरी बात ये करनी थी कि बहुत सारे लोग मुझे डीएम कर रहे थे कि आमिर ने आपको अनफॉलो कर दिया, अनफॉलो कर दिया। गाइस देखो, जो फॉलो का मसला है वो आपको मैं बताता हूँ। मसला ऐसा था कि वो बंदा गाइस बड़े दिनों से हमारे पीछे रहा था कि यासर भाई, अलियान भाई, मेरे से मिलो 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 मिलो, मैंने कोलैब करना है। गाइस मैं वीडियो डाल दूंगा, जाकर चेक कर लेना। सुनिए भाई, अब आप सब भी इस चीज पे हैरान होंगे कि 1.5 ईयर के बाद ऐसा क्या होता है कि अमीर माजिद अपने सारे फ्रेंड्स को कॉल करता है कोलैब करने के लिए, फॉलो करता है उन्हें इंस्टाग्राम पे, बाद में कौन फॉलो कर दिया था भाई। वो भी एक गेम थी, वो भी एक्सप्लेन करता हूँ। अलियान व्लॉग्स, जोनो स्टंट्स, राजा डीसी की तारीफ बताता हूँ। जम्मू के जितने मोटो व्लॉगर हैं, जितने भी भाई हैं, सारे अपने अपने दिल के क्लोज हैं। लोग लड़ाते हैं भाई, किसी के दिल में कुछ नहीं है। जानो ले लो, अपना राजा डीसी ले लो, सारे भाई मेहनती लड़के हैं यार। उसने कहता है, अबे दल्ले गंडमरे टटपुंजे, मुझे एक चीज बता, हाथी के पिछवाड़ी की पपियां लेने वाले गंडमरे, जब तुझे राजा डीसी बार बार पो करता था गधा बोल के, तेरी गाड़ी लगी हुई दिखाई दे कहीं पे भी, कुछ भी ऐसा इंसिडेंट हो तो वो तुझे गधा बोल के पो करता था, तब तो तूने रिप्लाई नहीं दिया, आज क्यों दिया? मैं बताता हूँ भाई, इसने तब आज उसकी तारीफें क्यों कर रहा था, अलियान के साथ क्यों घूम रहा था, उसके साथ वीडियोस क्यों बनाई, यासर चौधरी के साथ क्यों बनाई, जॉन स्टंट के साथ गठे दिखाई देने का मतलब क्या था? अगर जॉन स्टंट तो भाई बहुत ज्यादा समझदार निकला कि उसने इसके साथ कोलैब नहीं किया, वीडियोस नहीं बनाई। मैं अप्रिशिएट करता हूँ भाई उस बंदे को, मैं भी वो बंदा ये चीज समझ गया होगा या उस बंदे ने ऐसे नहीं बनाई कि मैं चीज नहीं जानता, लेकिन उसने बहुत अच्छा किया। मैं बताता हूँ भाई, जैसा कि भाई मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 20 जुलाई 2023 को ये न्यूज वायरल होती है कि गूगल क्या करेगा भाई, मेल डिलीट करेगा 1 दिसंबर से जो 24 मंथ से इनएक्टिव है भाई, जो लॉगिन नहीं किया। 20 जुलाई 2023 को अमीर माजिद क्या करता है, आके अलियान के साथ कोलैब करता है भाई, एक स्क्रिप्टेड वीडियो आती है दोनों की 4 डेज के बाद, इस न्यूज के 4 डेज के बाद भाई, जुलाई के महीने में इस न्यूज का आना, जुलाई के मंथ से कोलैब स्टार्ट हो जाना, और इवन के कुछ क्रिएटर्स को भाई अगस्त के महीने में भी ये न्यूज आई होगी, अब जाके अपनी मेल भी चेक करें, और उसी नेक्स्ट महीने में अमीर माजिद का चैनल डिलीट हो जाना। ये चीज ये थी भाई कि सबके साथ कोलैब करो, उनके चैनल्स पे तो वीडियो रहेंगी, अमीर माजिद का नाम रहेगा, लेकिन अमीर माजिद का खुद का चैनल डिलीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई एक 27 लाख सब्सक्राइबर वाला चैनल, 2.7 मिलियन वाला चैनल भाई, और उसमें व्यूज आ रहे हैं भाई 2.5 लाख से 3 लाख, तो भाई 2018 का क्रिएटर है अमीर माजिद। अब अगर गूगल क्या करता है भाई, मेल अकाउंट डिलीट करता है जो इनएक्टिव है लास्ट 24 आवर्स से, 27 लाख सब्सक्राइबर वाला चैनल भाई, उसमें 2.5-3 लाख व्यूज आते हैं, सुनते रहे गौर से, 2.5-3 लाख व्यूज आते हैं, 27 लाख सब्सक्राइबर, 2.5-3 लाख व्यूज, अगर गूगल ने मेल डिलीट किए तो अमीर माजिद के भाई मान के चलो कि वैसे 6 साल पुराना क्रिएटर है भाई, 6 साल पुराना क्रिएटर, उसके 10-12 लाख सब्सक्राइबर तो भाई आ ही जाने नीचे। बात सही है। व्यूज अगर इतने कम आ रहे तो जाहिर सी बात है कुछ एक लोग तो ऑलरेडी अपने पासवर्ड भूल चुके होंगे मेल का, कुछ ने लॉग इन नहीं किया होगा, कुछ का कोई सीन होगा भाई। ऐसे में इस बंदे ने क्या किया कि एक्टिव सब्सक्राइबर इकट्ठे करने के चक्कर में, जो ब्रांड की कोलैबोरेशन थी वो खत्म हो गई चैनल डिलीट करने पे भाई, एक्टिव सब्सक्राइबर होना अलग से, न्यू ब्रांड कोलैबोरेशन अलग से, इसने क्या किया भाई, सबके साथ कोलैब किया, सबके साथ कोलैब किया भाई, और एक छाप छोड़ दी, एक हाइप बढ़ा दी सबके सामने भाई। आज जब नया चैनल आया तो अलियान व्लॉग्स के जो चैनल पे उसकी वीडियोस पड़ी हुई हैं वहां से भी लोग आते हैं अमीर माजिद की वीडियो देखने, जॉन स्टंट के साथ जो न्यूज वायरल हुई है वहां से भी लोग आते हैं, राजा डीसी के बारे में जो तारीफ की हुई है वहां से भी लोग आते हैं। यह सीन था भाई, असल मुद्दा अमीर माजिद का। अमीर माजिद ने भाई बहुत ही चलाकी के साथ, अब आप इसे उस दल्ले की तारीफ है, तारीफ समझो या कुछ भी समझो भाई, उसने बड़ी चलाकी के साथ अपना वो चैनल डिलीट किया जो एक डेड हो गया था, 27 लाख सब्सक्राइबर पे 2.5-3 लाख व्यूज आ रहे थे, और उसे पता था जब अकाउंट डिलीट होने लगे तो उसके सब्सक्राइबर बहुत कम हो जाएंगे। सब्सक्राइबर के मामले में अगर मैं आगे हूं तो मैं तो वहां से भी पीछे हो जाऊंगा, क्योंकि जानू के जो सब्सक्राइबर है वो भी एक्टिव है, क्योंकि वो भी लास्ट 1 ईयर से उसका अकाउंट चल रहा है। ऐसे तो मैं बड़ा पीछे आ जाऊंगा भाई, तो बड़ी गजब की बेइज्जती होनी है वहां पे। अमीर माजिद सर के साथ हाइप बना के भाई कोलैब करके दोबारा से सबको अनफॉलो करके हाइप छोड़ दी और अपना नया चैनल बना लिया, उसी महीने में सबके साथ कोलैब किया, उसी महीने में चैनल डिलीट किया, और उसी महीने में नया चैनल बना लिया, और नए चैनल पे अमीर माजिद अब एक्टिव सब्सक्राइबर इकट्ठे कर रहा है भाई, तो उसे कोई सीन नहीं है इसमें। तो ये थी भाई आज की वीडियो, अगर आपको कहीं से भी वीडियो में की समझ ना आई हो तो आप मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे विद फैक्ट्स एंड विद प्रूफ्स भाई। अगर किसी को भी डाउट है या कोई मेरी वीडियो को काउंटर करना चाहता है तो भाई करे वो काउंटर, तो मैं भी भाई रिप्लाई दूंगा उसका। ये जिस मेरे अकाउंट पे भाई आप ये वीडियो भी देख रहे हो,
ये मैंने बहुत बार भाई परमानेंटली डिलीट करके रिकवर किया। ये देखें स्क्रीनशॉट साथ में शेयर करो। उसमें होता भाई ये है कि जब हम अपने अकाउंट को रिकवर करते हैं तब जो हमारी वीडियोस भी होती हैं पूरे चैनल पे, अगर 100 वीडियोस भी हों भाई, तो आप जैसे जैसे रिफ्रेश करते रहोगे भाई, डाउन साइड स्क्रॉल करके भाई आप रिफ्रेश करते रहोगे, तो आपकी सारी वीडियोस एक एक करके वापस आती जाएंगी। बस क्या होता है वहां पे कि उनकी मोनेटाइजेशन ऑफ हुई होती है, आपको दोबारा से ऑन करनी पड़ती है, बस इतना सा फर्क होता है भाई, और कोई मसला नहीं। बोलना अपने अमीर भाई को भाई तुम लोग बोलना कि अपनी मेल आई डी दे तो मैं रिकवर करके दूं, ठीक है। तो आई होप गाइज कि आप सबको इस वीडियो की समझ आई होगी। डिटेल में एक एक पॉइंट सुनना भाई। अभी इस वीडियो को भाई बना रहा हूं मैं रात के 3 बजे, हाँ ऑलमोस्ट 3 ही बज गए होंगे भाई, देख लेता हूँ। हाँ जी भाई 3:28 हो गए भाई। तो ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, और कमेंट करके बता दे कि नेक्स्ट वीडियो किस में होनी चाहिए। और अगर आज की वीडियो में कोई डाउट बच गया तो फिर से बोलता हूँ भाई, इंस्टाग्राम पे आ जाएं, ये है मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट, इंस्टाग्राम पे आ जाएं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी पड़ा हुआ है। थक गया हूँ भाई, चलते हैं।